वैसे तो आपने भारत की आज़ादी के काफ़ी सारे कहानियाँ जानी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन, डांडी मार्च, 1857 का विद्रोह और ऐसे कई सारे और भी कहानियाँ। और इन कहानियों में बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई सारे पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने कई बार सुने होंगे। लेकिन इसी भारत की आज़ादी की कहानियों में कई सारी कहानियाँ, कई सारे किस्से और कई सारे समय मोमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही अनकहीं और अनसुनी हैं, जिनके बारे में बहुत कम जगहों पर, बहुत कम किताबों में लिखी गई हैं, बहुत कम सोर्सेज उसके बारे में बताए गए हैं और कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा बहुत कम करी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म आज के मौके पर नहीं करना चाहता हूं। आज मैं बस ऐसे ही कहानियों में से एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे भारत की आज़ादी के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। और ये कहानी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि इस कहानी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो शायद अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं भारत आज़ाद ना हुआ होता, या फिर उनकी आज़ादी के हिस्ट्री में हम कुछ और भी आज पढ़ रहे होते। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. So first of all, a very very happy Independence Day to all of you and welcome to my channel Neeti Siksha and this is Mihir Thakur. तो शुरू करते हैं हम आज के कहानी को। बात दरअसल 1940s की है। इस वक्त पीबी चक्रवर्ती हमारे चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, और साथ ही साथ ये एक्टिंग गवर्नर भी थे वेस्ट बंगाल के। और इनके द्वारा लिखी गई एक स्टोरी में इन्होंने जिक्र किया कि जब वो एक्टिंग गवर्नर थे कलकत्ता के, उनके इस वक्त जो है मुलाकात लॉर्ड एटले से हुई। लॉर्ड एटले उस वक्त हमारे भारत के वॉइस रॉय थे और उस वक्त इंडिपेंडेंस जो है हमारे इंडिया को मिलने ही वाला था। और उस वक्त जो है लॉर्ड एटले गवर्नर्स पैलेस, जो कलकत्ता का गवर्नर्स पैलेस था, वहाँ उन्होंने दो दिन बिताए। और इन दो दिनों में जो लॉर्ड एटली का डिस्कशन पीबी चक्रवर्ती के साथ हुआ, और इन कॉन्वर्सेशन में पीवी चक्रवर्ती ने लॉर्ड एटली से ये आज़ादी के बारे में कुछ कहानियों और कुछ किस्से और कुछ क्वेश्चन पूछी। पीवी चक्रवर्ती ने लॉर्ड एटली से पूछा कि महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, या फिर उनका जितना भी आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी आंदोलन, ये सभी चीज़ें जो है कितना मैटर करती है, क्या इसी वजह से ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़ करके जा रहे हैं। लॉर्ड एटली ने बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए इसका आंसर किया कि इन सभी के अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़ करके जा रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ और है। लॉर्ड एटली का कहना ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश को जो है इंडिया छोड़ करके जाने का सबसे मेजर कारण जो है इंडियन आर्मी की म्यूटिनी, इंडियन नेवल की म्यूटिनी, यानी कि उन लोगों का विरोध, विद्रोह, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रीज़न था जिस वजह से ब्रिटिश जो है वो इंडिया छोड़ करके गई। अब इनके इस आंसर को समझने के लिए आपको 1945 के इतिहास के बारे में जानना होगा, और ये था एक बहुत ही बड़ा इंडियन नेवी का अपराइजिंग, उनका विद्रोह। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई, और वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इकॉनमी था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। और इस इकॉनमी के डिक्लाइन होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर में जो यहाँ की रॉयल इंडियन नेवी थी उसको एक बेसिक इम्यूनिटीज़, बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। और इस वजह से क्या हो गया था कि यहाँ की रॉयल इंडियन नेवी जो थी, इसका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं इन लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए चीज़ें बहुत ही कम पड़ गई, मतलब इतना ज़्यादा सिचुएशन, स्थिति इन लोगों का ख़राब हो गया कि नेवी के साथ साथ आर्मी की भी स्थिति बहुत ज़्यादा जो है वो बिगड़ने लगी थी। और इसी टाइम एक और घटना घट गई। 1945 में सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया, और इस वक्त इन्होंने जापानीज और हिटलर के साथ कोलैबोरेशन किया था, उनके साथ कुछ मिलिट्री हेल्प ली थी। यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कि जापानीज़ के जो लोग थे, जापान के जो लोग थे, उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का टाइटल दिया था। और उसके बाद हम वापस से अपने कहानी पे पहुंचते हैं।
नेताजी के डेथ के बाद जनरल नवाज खान और उसके बाद कॉलोनल प्रेम सेगल और साथ ही साथ कॉलोनल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों ने रेड फोर्ट के पास इस प्रॉब्लम, इस आर्मी के जो सिचुएशंस को देखते हुए रेड फोर्ट पे स्ट्राइक आंदोलन शुरू कर दी। और ड्यू टू सिंपैथी टुवर्ड्स द नेताजी, INA के लोग ने भी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों ने भी नेताजी के सिंपैथी, नेताजी के डेथ के बाद इस ट्रायल को ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक एक बहुत ही बड़ा रूप पकड़ ली धीरे धीरे। और लगभग इस स्ट्राइक के, इस ट्रायल के अंदर में उस वक्त 40,000 के करीब जो है वो ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो इंडिया के अंदर में ज्वाइन कर गई। और इस वक्त 40,000 ब्रिटिश ट्रूप इंडिया के अंदर में थी और इनका कंडीशन इतना ज़्यादा ठीक नहीं था कि वो अब ब्रिटिश के जो है सिचुएशंस, ब्रिटिश के जो दिए गए ऑर्डर है उसको वो ओबे कर पाए। यहाँ तक कि ब्रिटिश के द्वारा की गई काफ़ी सारी प्रताड़ना भी उनके साथ हुई। 1857 की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो वहाँ पे भी आर्मीज़ के साथ, वहाँ पे भी मिलिट्रीज़ के साथ काफ़ी सारे जो है वो मिसबिहेव की गई थी और यहाँ पे भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही थी। लगभग उनका कोई भी मूड नहीं था आगे किसी भी तरीके के ब्रिटिश के ऑर्डर को फॉलो करने के बाद। उसके बाद जनवरी 1946 में काफ़ी ज़्यादा स्लो डीमोबिलाइजेशन होने लगा, इनका कंडीशन जो है वो और ज़्यादा पुअर हो गया वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने के बाद। यानी कि आप देख सकते हो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों जो है वो स्ट्राइक्स पे चली गई क्योंकि तीनों का कंडीशन जो है वो अब ख़राब होने लग गया था। और ये विद्रोह RAF का कराची से शुरू होते हुए थे इतना ज़्यादा फैल, इसमें लगभग 50,000 लोगों ने ज्वाइन की, जिसमें कम से कम 60 RAF स्टेशंस इंडिया की थी जो कि इसके अंदर मिले हुए थे। लगभग कानपुर की जो सबसे बड़ी RAF की बेस जो स्टेशन थी, उन्होंने भी इस स्ट्राइक के अंदर में ज्वाइन किया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये इंटरवीन करी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में कि इंडियन आर्मी जो है वो अब ब्रिटिश को फॉलो नहीं कर रही है, ब्रिटिश के ऑर्डर्स को ओबे नहीं कर रही है और ब्रिटिश इस कंडीशन में अभी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा वास्ट स्टैंडिंग आर्मी को अभी परमानेंट एस्टैब्लिश कर पाए। लगभग 400 मिलियन इंडियन आर्मी की ज़रूरत होती अगर ब्रिटिश इंडिया में उसके बाद शासन करता। और इस सिचुएशन को और ज़्यादा ब्रिटिश अपने साथ रखने में या फिर कैरी फॉरवर्ड करने में अभी बिल्कुल भी जो है वो तैयार नहीं था, इसकी स्थिति जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसके बाद फरवरी 18, 1946 रॉयल नेवी म्यूटिनी स्टार्ट हुआ, जो कि इंडिया में कह सकते हो कि एक बहुत बड़े म्यूटिनी में से एक म्यूटिनी था जो कि था रॉयल नेवल म्यूटिनी का। और उसी के इवनिंग में एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के जो है सिंगमल MS खान एंड पेटी ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट मदन सिंह, इन दोनों को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के नाते। और उसके बाद ये धीरे धीरे ये म्यूटिनी जो है वो स्प्रेड करने लगी, बॉम्बे से कराची, कलकत्ता, कोचीन, यहाँ तक कि वाइजैग तक जो है ये फैल गया। लगभग 78 ships जो कि 20 शोर पर establishment थी इसकी और लगभग 20,000 जो है सोल्जर्स इसके अंदर स्ट्राइक में ज्वाइन कर। और इस स्ट्राइक को देखते ही देखते बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने भी ज्वाइन किया, इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी के लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बाद इन लोगों ने सड़कों पर उतर करके विद्रोह शुरू करी और उसके बाद जितने भी ब्रिटिशर्स को इन लोगों ने कंट्री के अंदर में देख रहे थे उनको उन लोगों लोग खींच करके गाड़ियों से निकाल के वहाँ पे कई ब्रिटिशर्स को मार भी दिया गया और कई सारे शिप्स पे इंडियन फ्लैग को जो है होस्ट किया गया, वहाँ पे भारत के झंडे को फहराया भी गया। और इसके बाद इस म्यूटिनी के तीसरे दिन ये पूरा का पूरा बॉम्बे का शोर भी स्प्रेड कर लिया था और साथ ही साथ हिमालयन रीजन में भी ये म्यूटिनी यानी कि विद्रोह पहुँच गया था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्रोह में कोई भी लीडर ने ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस विद्रोह को ज्वाइन नहीं किया। बहुत कम ऐसे लोग थे जो यहाँ पे ज्वाइन करे थे जो कि कॉमन पीपल्स और लीडर्स थे, लेकिन इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इन सभी ने मिलकर इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था और इस विद्रोह को काफ़ी पूरे, लगभग कह सकते हो पूरे भारत में इस विद्रोह को फैला दिया था। और ये विद्रोह जो है वो बिना किसी लीडरशिप के चल रहा था, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग थे जो कि इसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब ब्रिटिशर्स को एट द लास्ट मानना ही पड़ा कि अब वो भारत के अंदर में शासन करने लायक नहीं बची है और अब ना ही वो यहाँ आर्मी के हो रहे विद्रोह को रोक सकती है और ना ही अपना एक स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी इस्टेब्लिश कर सकती है। वैसा ब्रिटिश का सिचुएशन नहीं था और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे ही सिचुएशन की कल्पना हमेशा करते थे जिस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है, हटाना है। तब ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे नेताजी ने ये सोचा था
कि कब तक हम नॉन वायलेंट तरीके से जो है ब्रिटिशर्स का सामना करते रहेंगे और ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा क्रूल होकर के हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे। तो यहाँ पे इस थॉट के पीछे, इस आइडियोलॉजी के साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी साथ नेताजी का नहीं दे रहे थे। नेताजी ने यह सपना देखा था और ये जो म्यूटिनी थी रॉयल नेवी की 1946 की, ये कहीं ना कहीं नेताजी के इस आइडियोलॉजी से मैच करती थी। और यही एक कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न था जो आर्मी के इस म्यूटिनी ने ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया। ये आज़ादी भारत को दी गई और तब से हमारा भारत आज़ाद हो गया। और इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज़ किया गया है आरसी मजुमदार के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स वाले बुक में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न बताया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के पीछे इस म्यूटिनी को, इस विद्रोह को। ना ही कि इन्होंने कहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स या फिर नॉन वायलेंट मूवमेंट इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के पीछे बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो कहीं ना कहीं बाकी सारे आंदोलन का रोल तो हमारे इंडिया को आज़ाद कराने में है ही, लेकिन कहीं कह सकते हैं कि म्यूटिनी जो आर्मी की तरफ से, नेवल की तरफ से हुई थी, ये बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को आज़ाद करवाने के पीछे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे और भी ज़्यादा स्टोरीज और ऐसे और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो उसके भी रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं रेगुलर। चैनल जाकर के विजिट करो, सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।